ने बैरियर पे जो सोना पकड़ा है, कैसे कैसे किया था टीम में और कितना है एग्जैक्ट क्या है ये? ये रात को करीब 9 बजे की बात है, तो वहाँ पे ITBP का कंटिन्यूसली 24 आवर नाका लगा हुआ है, उसमें हमारे पुलिस के जवान भी हैं। तो दौरान चेकिंग हमने एक गाड़ी को रोका, तो गाड़ी DL नंबर गाड़ी थी जिसमें मिस्टर विनोद कुमार उसको ड्राइव कर रहे थे। उस गाड़ी में चेकिंग के दौरान पिछली सीट पे एक काले रंग का बैग मिला, जो काले रंग के बैग के अंदर 2 प्लास्टिक के बॉक्सेस थे। तो प्लास्टिक के बॉक्सेस में कुछ ऑर्नामेंट्स थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो जिनके लिए हमने फिर स्टैटिकल टीम जो है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो इलेक्शन की रिगार्डिंग बनाई गई है, उसको भी मौके पर बुलाया, उसकी वीडियोग्राफी की गई और उसकी वेइंग भी करी गई। जो वेइंग करी तो उसमें 2 किलो 335 ग्राम जो उसका वेट निकला टोटल गोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स का। उस गोल्ड ऑर्नामेंट्स में बैंगल्स थी और नेकलेस थे, तो उसको कब्जे में ले लिया गया है। बाकी जो एक्साइज टीम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। जो फर्दर कार्रवाई है वो उनकी एंड पे की जाएगी। कितनी कीमत होगी? कीमत कितनी है इसकी? कीमत जो है उसके, उसने बिल भी पेश किया है, बिल जो था वो तो 3 किलो समथिंग ग्राम का था, लेकिन जब वेट उसका कुछ कम है तो उसकी जो कीमत है वेट के मुताबिक तो 70 लाख के करीब, लगभग 70 लाख। इलेक्शन से कंसर्न अभी इसमें जांच जारी है, अब तक इस तरह कोई तथ्य सामने नहीं आया कि ये इलेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी प्राइवेट फेसेस को देख रहे हैं हम लोग। विनोद कुमार का क्या कहना है जिसमें कि ये सोना कहाँ से आया और कहाँ ले जाया जा रहा है? विनोद कुमार जो है वो अपने आप को व्यापारी बता रहा है, इसका एक होलसेल व्यापारी बता रहा है। तो उसकी ज्वेलरी शॉप कहाँ पर है? ज्वेलरी शॉप उसकी दिल्ली पीतमपुर में है, वहाँ पे। तो वो बोल रहा कि मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, मैंने अपार्टमेंट में रहता था, मैं आया था, मैंने अपने सैंपल को दिखाने थे, अपने कस्टमर्स को दिखाने थे। तो अभी तक उसका ये स्टेटमेंट है और उसके बारे में जान जारी है कि सच हो रहा है। नैना अपार्टमेंट में वहाँ पे तहकीकात की गई कि जहाँ पे अपने फ्रेंड के पास जा रहा था, और उसका फ्रेंड मौके पे आया था, उसने बताया कि हाँ ये मेरे पास आता है। उसका फ्रेंड है वो क्या काम करता है इसका? नहीं, उसका फ्रेंड काम नहीं करता, वो बिजनेसमैन है किसी। तो इसमें सर मैंने अभी जो आगे किसको जो बिलिंग होती है कोई भी ना, वो आगे किसी को दे जाती है, डिलीवरी तो किसी ना किसी को देनी ही पड़ेगी होती है। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि हमने अपने को बिल काट लिया, बिल किसके नाम कटा है क्या जो उसकी ये बिल जो है विनोद कुमार के नाम पे कटा हुआ है, एक्चुअली जो उसको जिससे मिला है उसके नाम पे कटा है, तो उसी की वेरिफिकेशन के लिए कि बिल एक्चुअली लाई करता है नहीं है, सही है बिल गलत है, उसके लिए इनकम टैक्स और सेल टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया गया है। तो उसमें उसने एक्साइज ड्यूटी तो कोई पे नहीं की होगी? उसमें GST का है, GST उसने पे किया हुआ है, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन वही कर पाएंगे, सेल टैक्स और इनकम टैक्स कर पाएगा कि वो एक्चुअली में बिल है ठीक है या नहीं है, उसने खुद ड्राफ्ट किया है। ओके, ये वही डिफाइन कर पाएंगे। बिल पे कुछ ऐसा लिखा है कैश रिसीव्ड या थ्रू चेक, कुछ ऐसा लिखा भी जो बिल में सिर्फ उसका वेट दिया गया है और अमाउंट दिया गया है, लिखा नहीं किस तरह का है, इसमें कुछ नहीं दिया, चेक है, RTGS है, इस तरह कुछ नहीं है।